नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये बैंगन का खेती है। इस खेती के बारे में आइए जानते हैं किसान भाई से, जो किस प्रकार से खेती करते हैं। आइए आपको उस किसान भाई से मिलवाते हैं। भाई साहब नमस्कार, नमस्कार। अपने बारे अपना छोटा सा परिचय दीजिए आप अपना। अपना नाम बताइए। अच्छा, सरपुल नाम है आपका। नाम, गाँव कहाँ है? चपाटोली, खास चपाटोली का। अच्छा, बिजलिया खास चपाटोली पंचायत है। बिजलिया पंचायत है, बस्ती चपाटोली। अच्छा, ये जो आप खेती किए हैं, इस खेती के बारे में बताइए, कौन सा खेती है? ये बैंगन का खेती। बैंगन का खेती, थोड़ा जोर से बोलिएगा। बैंगन का खेती, बैंगन का खेती है ना। अच्छा, बैंगन का खेती को आप कैसे करते हैं, इसका शुरू से प्रोसेस बताइए, कैसे कैसे करके इसको लगाते हैं, सबसे शुरुआत से बताइए, इसका विधि कैसे करते हैं? खेत में पहले खाद डाले हैं। का खाद डाले? गोबर खाद। पूरा खेत में गोबर खाद? खेत में, हाँ, पूरा खेत में गोबर खाद डाले। उसके बाद फिर गाछी तैयार हुआ। अच्छा, नहीं, पूरा खेत में गोबर खाद डाले, उसके बाद पूरा खेत को जुताई करवाए? हाँ, जुताई करवाए। हाँ, कम से कम 4-5 बार दफा इसको जुताई करवाए। हाँ, पूरा खेत को, पूरा नीचे से ऊपर पूरा, यानी कि जब तक खाद मिक्स नहीं हो जाता है मिट्टी से, वैसे तक आप जुताई करवाए हैं पूरा खेत? चूना भी दिए पूरा खेत में? पूरा खेत। अच्छा अच्छा, चूना डालने के बाद में इस खेत को जुतवा के रख दिए। फिर कितना दिन तक? इसको लगभग 1 महीना तक हम, हाँ, यानी कि जुताई कोड़ाई करवा पूरा खेत तैयार करा के 1 महीना तक खेत को खाली छोड़ दिए थे। हाँ हाँ, उसके बाद में फिर गाछी किए। तो गाछी हम लास्ट जून में लगाए। अच्छा, तो गाछी लगाने से कितना दिन पहले गाछी किए थे आप? वही लगभग 22-23 रोज में हम गाछी तैयार। हाँ, 22-23 रोज में ना। बीज कौन सा यूज किए थे गाछी के लिए? VNR का है, बैगन है ना। देख सकते हैं आप लोग भी, अगर ये किसान भाई जिस प्रकार से बता रहे हैं वैसा अगर आप लोग भी खेती करना चाहते हैं तो ऐसा बैगन का खेती कर सकते हैं। चलिए आप बताइए, इसका गाछी तैयार हो जाने के बाद लगाने का विधि बताइए, कैसे कैसे करके लगाए? फिर इसमें हम फोरेट डाले। हाँ हाँ, दवा आता है अपने, उसको खाद DAP खाद से मिला के अपने समय जो गड्ढा खोलते हैं। हाँ हाँ, यानी कि बीज को लगाने का गड्ढा खोलते हैं, तो उसको हम उसी मतलब उसी में डाले पहले, उसके बाद बीजा इसको लगाए रोप के, उसके बाद में फिर अपना हाथ से अपना हाथ से सबको, इतना बैगन करीब 1200-1300 पौधा है। हाँ हाँ, अपना हाथ से इसको जिया है। हाँ हाँ, अपना हाथ से भर के पानी कुआं से। हाँ हाँ, हम मशीन से नहीं पटाते हैं। देख सकते हैं ये गांव के गरीब किसान लोग कितना मेहनत करके इस बैगन को खेती को किए हैं। भाई साहब बता रहे हैं कि अपना हाथ से एक एक करके सिंचाई करना, जिसको बोलते हैं ये अपना कुआं जो देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार से ये छोटा सा कुआं है, इसी कुआं से पानी भर भर के ये किसान भाई साहब अपना इस बैगन को पूरा एक एक बीज के जगह में सिंचाई किए हैं, पानी डाल डाल के इसको पटाए हैं, है ना? हाँ, जिला के अभी देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से इसका बैगन का खेती है, देख सकते हैं किसान भाई कितना मेहनत किए हुए हैं। उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा हो गया, जी गया, तब हल्का हल्का इसको चालू करके मिट्टी चढ़ा दी। हाँ हाँ, तब फिर 15 दिन के अंतराल में फिर इसको देखे कि अब बढ़ रहा है। हाँ हाँ, तब फिर अति चालू घास उस हो गया, तो यानी कि पौधा के बढ़ते के साथ में बरसात का समय है, तो अभी घास भी बढ़ते जाता है ना, तो घास चालू करके हल्का हल्का फिर माटी चढ़ा दी। हाँ, घास को निकाल के फिर उसके पौधा के ऊपर में मिट्टी चढ़ाई की है ना। जिस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कैसा ये पौधा के ऊपर में इस प्रकार से मिट्टी का चढ़ाई होता है, जैसे देख रहे हैं ये गड्ढा है, इसके ऊपर में पौधा के ऊपर ऊपर में हल्का हल्का मिट्टी चढ़ाए, वो किसान भाई बता रहे हैं कि मिट्टी चढ़ाई किए हैं पौधा में उसको। चलिए, उसके बाद 4 दिन के अंतराल में, 4 दिन बाद दवा का प्रयोग किए। देख सकते हैं ये गांव के गरीब किसान लोग, दवा का नाम अच्छे से मालूम नहीं भी रहता, लेकिन भी अपना खेती को ये लोग किस प्रकार से सिंचाई किए हैं। शायद इनको दवा का पैकेट और वो सब देखने से पता चल जाएगा, लेकिन अभी इनको याद नहीं है कि कौन सा दवा ये किसान भाई साहब डाले हैं। अगर हो
सके तो हम ये वीडियो में आपको मेंशन कर देंगे कि वो कौन सा दवा है। आप लोग भी अगर इस प्रकार का खेती करना चाहते हैं तो वो दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बैंगन का खेती 22 साल से कर रहे हैं। देख सकते हैं ये किसान भाई अपना बैंगन का खेती 22 साल से लगभग कर रहे हैं और आज तक हमको इससे नुकसान नहीं हुआ है। देख सकते हैं ये किसान भाई बता रहे हैं कि आज 22 साल लोग 10 साल 5 साल इतना करते हैं, लेकिन ये किसान भाई बता रहे हैं कि 22 साल से ये बैंगन का खेती कर रहे हैं और ये बता रहे कि कभी आज तक नुकसान नहीं हुआ। देख सकते हैं अगर आप लोग भी इस प्रकार से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मरने का कोई शिकायत नहीं रखता है ना। और फिर इसको हम बराबर चारों तरफ नाली काटते हैं, पानी निकासी के लिए। अभी मार्केट में इसका भाव कैसे मिल रहा होगा आपको? इससे दो दिन पहले ले गए थे 26 रुपए केजी करके। उसके बाद आज थोड़ा हम से खेती करना चाहते हैं तो आप लोगों को कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, हमेशा आपको अच्छी भाव में कीमत मिल जाता है ना। बताइए इसमें जैसे आप लगाए उसके बाद में खाद कौन कौन सा दिए हैं अभी तक? हाँ, लगाने के कितना दिन बाद में डीएपी खाद दिए थे? वही 15 दिन बाद। हाँ, दोनों को मिला के। हाँ, उसके बाद फिर और कितना दिन बाद? उसके बाद फिर जब पौधा बढ़ गया, हाँ, चढ़ाने समय फिर वही यूरिया डीएपी दोनों मिला के। हाँ, ऐसा करके आप उसके बाद अभी तक और कोई खाद नहीं दिए है ना। मान लीजिए इसमें रोग भी लगने का कारण होता है, कैसे रोग लगता है इसमें? अगर मान लीजिए अगर रोग लग जाए तो उसके लिए क्या उपाय है? इसमें रोग एक दवा आता है जो भुनभुनिया का, प्रवेश नहीं होने दीजिएगा। हाँ, तो बैगन आप अच्छा तरह से निकाल सकते और लेकिन इसका समय इसका देखना पड़ता है कि अपना बच्चा में अभी जिस समय लगाए भुनभुनिया दवा दिए, फिर उसके बाद में बीच में दूसरा भुनभुनिया दवा डाले, अब तीसरा भुनभुनिया दवा डाल रहे हैं बदल। अच्छा, सिर्फ वही है बैगन का, भुनभुनिया हटा दीजिए, बैगन का मजा। तो दवा कितना दिन बाद में देना पड़ता है? जैसे 5 दिन में डालते हैं। अच्छा, छिड़काव का दवा करते हैं। छिड़काव का दवा का तो हमको मालूम है नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अच्छा, देख सकते हैं गांव के गरीब किसान लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, वो दवा का नाम भी है कि आजकल जो भी पैकेट में रहता है इंग्लिश में रहता है तो इनको पढ़ना नहीं आता है, इसलिए बता भी नहीं पा रहे हैं। आपको दवा हम स्क्रीन में मेंशन कर देंगे, आप लोग अगर खेती करना चाहते हैं तो आप लोग इस प्रकार से देख के वो दवा का बीच बीच में पौधा बड़ा हो जाने के बाद छिड़काव कर सकते हैं। किसान को हम बताना चाहते हैं बैगन लगाने के बाद, हाँ, बैगन खेती अगर आप करना चाह रहे हैं तो बैगन लगाने के बाद आपको 2 वक्त आपको डेली आना पड़ेगा बैगन खेत। हो सकता है हमारा कीटनाशक जो दवा डाले काम किया कि नहीं किया, इसके लेके मेरा घास हो रहा है क्या हो रहा है सबको, मतलब अगर बैगन का पत्ता पीला होता है साफ करना ताकि कीड़ा उसमें प्रवेश ना, यानी कि बैठने का कीड़ा को मौका ना। जिस पत्ता में यदि अगर उसका लक्षण दिखाई दे रहा होगा तो पत्ता को ही हटा देना है, तोड़ के है ना, तोड़ के हटा देना। देख सकते हैं ये किसान भाई जिस प्रकार से बता रहे हैं कि आपका खेत में अगर उस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा लक्षण या तो फिर कीड़ा का प्रकोप, तो फिर आप उस पौधा का पत्ता को आप लोग तोड़ के हटा सकते हैं। वहाँ भी देख रहे हैं एक भी मतलब मेरा कोई कीड़ा का, देख सकते हैं एक जो किसान भाई बोल रहे हैं उसको आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक भी पत्ता में कोई कीड़ा नहीं दिख रहा होगा। ये जो किसान भाई बोले आपको हम पूरा खेत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला होता है, ये देखिए इस प्रकार से यही है। इसको हटाने के लिए आपका भुनभुनिया का दवा चालू करना बहुत, इसमें क्या हो गया है? इसमें कीड़ा हो गया है। अच्छा, इसमें कीड़ा हो गया है ना, इसका अंदर में कीड़ा होता है। अच्छा, इसको देखिए कीड़ा देख रहे हैं ना, ये कीड़ा, ये जो देख सकते हैं आप लोग, छोटा सा कीड़ा दिखाई दे रहा होगा, यही कीड़ा, ये जो इसी
को हटाने के लिए गुनगुनिया का दवा चालू। देख सकते हैं कि किसान भाई किस प्रकार से आपको दिखाए हो, उसी प्रकार से अगर आपके खेत में भी उस प्रकार का लक्षण दिखे तो आप लोग उस पत्ता को ही तोड़ के पौधा से अलग कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग